मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। पानी में डालो तो जी जाएगी, सारा पानी पी जाएगी। हेलो बच्चों, मैं हूँ तुम्हारी ग्रैंडमा चित्रा। तुम जानते हो ना, मछलियाँ पानी के हमेशा अंदर रहती हैं और बाहर निकालने पर मर जाती हैं। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे जीव होते हैं, एनिमल होते हैं, जो हमेशा पानी के अंदर रहते हैं। उन्हें बाहर निकालो तो वो मर जाएंगे। तो मैं तुम्हें आज ऐसे ही बहुत सारे जीवों के बारे में बताऊंगी जो पानी में रहते हैं। उनके लिए क्या है, वाटर इज़ लाइफ, लाइफ इज़ वाटर, मतलब पानी ही उनके लिए जीवन है। सबसे पहले तो मैं मछली की बात करती हूँ। मछली जो रहती है हमेशा पानी के अंदर है। तुम्हें एक खास बात बताऊँ उनकी, वो कभी सोती नहीं है, हमेशा तैरती रहती है। और उसके पास लंग्स नहीं होते, उसके पास गिल्स होते हैं जिनसे कि वो ब्रीद करती है। और उसके पास पैर भी नहीं होते, वो अपने फिन्स से स्विम करती है। शार्क मछली क्या है, इसके बॉडी में हड्डियाँ नहीं होती। इसका ढांचा ऐसे होता है जैसे हमारे कान की, नाक की, ये स्किन होती है ना, हार्ड होती है, इसी तरह उनकी पूरी बॉडी का ढांचा वैसे ही होता है। और एक वो हमेशा तैरती रहती हैं, हमेशा रुकती नहीं है एक जगह, यहाँ चली वहाँ चली, हमेशा तैरती रहती है। अब मैं बताती हूँ तुम्हें डॉल्फिन मछली के बारे में। कहने को तो ये मछली है, लेकिन ये मछली नहीं होती, ये एक मैमल होती है। मैमल जानते हो क्या होता है, स्तनधारी जीव। उसके अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनके बच्चे पैदा होते हैं, वो मैमल होते हैं। तो डॉल्फिन भी एक मैमल है, इसके बच्चे पानी में ही पैदा होते हैं। ये सांस लेने के लिए ऊपर आती है पानी की। ये नहीं हो सकता कि जैसे मछली पानी के अंदर सांस लेती है, गिल्स से लेती है, लेकिन ये लंग्स से सांस लेती है, इसलिए इसे पानी के ऊपर सांस लेने के लिए बार बार आना पड़ता है। व्हेल, व्हेल बहुत बड़ी मछली होती है, ये बड़े बड़े नदियों में और समुद्र के भीतर रहती है। कहने को तो ये भी मछली है, लेकिन वास्तव में ये भी एक मैमल होती है, यानी कि स्तनधारी जीव। ये भी अपने बच्चों को दूध पिलाती है। और व्हेल में भी सबसे बड़ी एक होती है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल इतनी बड़ी होती है कि 94 फीट तक हाइट होती है इसकी। जैसे एक 9 स्टोरी की बिल्डिंग होती है ना, उतनी बड़ी इसकी, इतनी लंबाई होती है इसकी। 9 स्टोरी जानते हो ना कितनी, 1, 2, 3, 4, ऐसे 9 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर लंबाई होती है। और ये खाती भी बहुत सारा है, एक दिन में 4 टन तक, यानी 4,000 किलो तक खाना खा जाती है। खाती क्या है, छोटी मछलियों को, कीड़े मकोड़ों को पानी के अंदर खाती है। बच्चों, अब मैं तुम्हें एक और जीव के बारे में बताती हूँ, समुद्री कछुए, यानी कि सी टर्टल। सी टर्टल हमेशा पानी के अंदर रहते हैं। इनकी खासियत क्या होती है, बहुत अच्छे स्विमर होते हैं। पानी के अंदर रहते हैं तो स्विमर तो होंगे। और इनकी लंबाई 2 फीट से 6 फीट तक होती है। ये रहना पसंद करते हैं जहाँ समुद्री तट होते हैं, समुद्र के किनारे तक आते हैं फिर अंदर चले जाते। ये हैं लॉबस्टर और क्रैब्स। क्रैब्स और लॉबस्टर हमेशा पानी के अंदर रहते हैं, लेकिन बहुत छोटे जीव होते हैं। लॉबस्टर का पूरा परिवार ही पानी के अंदर रहता है। और इनके पीठ पर बैकबोन नहीं होती लॉबस्टर की। लॉबस्टर के पास हार्ड शेल भी नहीं होती, जैसे क्रैब्स के पास होती है, श्रिम्प के पास होती है, उस तरह की इनके पास हार्ड शेल नहीं होती पीछे। और ये छोटे छोटे होते हैं, 1.5 इंच 2 इंच के। लोग इन्हें खाना बहुत पसंद करते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं, सी फूड खाते हैं, उन लोगों को ये खाना बहुत पसंद होते हैं। बच्चों, तुमने श्रिम्प का नाम सुना है, श्रिम्प छोटा सा बिल्कुल जीव होता है पानी के अंदर रहने वाला। इसकी बॉडी पर एक ट्रांसपेरेंट हार्ड शेल चढ़ा रहता है, जिसकी वजह से पानी में अगर कोई देखना चाहे आसानी से तो दिखाई नहीं पड़ता और जल्दी से स्लिप कर जाता है पानी के अंदर। लेकिन नॉन वेजिटेरियन लोग इसे भी खाना बहुत पसंद करते हैं। ये समुद्र के बॉटम में रहना चाहते हैं, तो काफ़ी नीचे रहते हैं पानी के अंदर। अब मैं तुम्हें बताती हूँ ऑक्टोपस के बारे में। ऑक्टोपस सबसे इंटेलिजेंट जीव समझा जाता है। इसके 4 जोड़े हाथ होते हैं, हाथ या पैर कुछ भी कह लो, मतलब टोटल 8 पैर होते हैं, इनसे ही वो हाथ का काम लेता है। और इसकी बॉडी में स्केलेटन नहीं होता, मतलब हार्ड
स्केलेटन जैसे होता है वो नहीं होता, इसलिए जरा सी जगह में पानी के अंदर आसानी से फिसल के निकल जाता है। ऑक्टोपस जब तैरता है ना तो पानी के अंदर अपने दोनों चारों पैरों को पीछे कर लेता है, इसीलिए थोड़ी सी जगह में निकल पाता है क्योंकि सारी भुजाएं पीछे हो जाती हैं और धीरे से स्लिप होकर के आगे निकल जाता है। तुमने सांप का नाम सुना भी होगा और देखा भी होगा सांप को, ये ज़मीन पर चलते हैं। ऐसे ही पानी में रहने वाले सांप भी होते हैं, उनको सी स्नेक कहते हैं। ये हमेशा पानी के अंदर रहते हैं, अगर ये चलना भी चाहें ना ज़मीन पर तब ये चल नहीं सकते क्योंकि हैबिचुअल हो जाते हैं पानी के अंदर रहने के। तो पानी के अंदर तो बड़ी तेज़ तैरते हैं लेकिन ज़मीन पर नहीं चल सकते। अभी पानी में रहने वाले एनिमल्स के बारे में बहुत सारी बातें जानी। ये हमेशा पानी में रहते हैं, इन एनिमल्स को हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं, मैरीन एनिमल्स भी कह सकते हैं, मैरीन एक्वेटिक एनिमल्स। ओके, बाय बाय।